मो ना कस्त्रीवाला स्वाई मो घर ये तमाण्डो जमी किसी समाज मंगल अन्य मानक सुख दुख से ढड़ा हाँ समाज सेवा कर आग्रह मो पर पाई मो बापा भी गोटे विशिष्ट समाजसेवी हिसाब से शिल्पपति आ समाजसेवी हिसाब से भी परिचित तेणु तक इन्स्पायर में मु आज जहाँ भी करी मु भावे आशीर्वाद प्रेरणापी ही मुझे देखो पैसा तो समस्ते रोजगार करती तेणु पैसा भगवान जीक भी देखते से मुझे बहुत सन्तुष्ट बहुत शांति अच्छी तेणु किसी जब अगपारि ताठ भाई मान आत्मसंतोष बोधे आउ कि नईपे तेणु गोटे समाज मंगल समाज हित अन्न मानकर सुख दुख से ढड़ा हाँ तेणु तापर मनीष तो मनीष पशु पक्षी जीवजंतु एम सजीव किंतु ये कथा जेहेतु कही पारंती भितर बहुत दुख बहुत कष्ट गोटा थाए तेणु अन्न मैंने जापारती तेणु तक जो मैंने ये आिकित्सा करेंगे जहाँ भी करेंगे मुझे किसी इन्स्पायर होकर सेवा से त्याग आज मत एक कार्य करने उत्साहित करेणु से भी अशेष अशेष धन्यवाद देवी ए गोसेवार जो मैंने नियोजित अच्छा कर्मकर्ता मैंने जो मैंने निःशुल्क भाव में जीवन समय सब बड़ कथा है समय तेणु समय दे कि मन प्राण दे सेवा करेणु तक ही मुझे इन्स्पायर हो मनस्थ करी किसी करी आ गोटे मु छोट बलू मु देखी मो पर गोमाता प्रति समस्त आम घरे भी थिला तेणु समय क्रमे जदि परेश सहयोग मत न मिलता मुझे रखी पार नी कि ए भाई मान आग्रह उत्साह देखी मु गोशाला करने निष्पत्ति किसी सेवा करने मनस्थ कर देखूँ प्रपर्टी भैल्युएसन तो मुझे आपड़ जानते हैं तमाण्डो एन एस कड़े जगार रेट के कौन तेणु से सबू मु तुलना केवा सहित पैसा को मुझना कै ना सेवार मनोवृत्ति अच्छी तेणु सेवा कली आत्मसंतोष मिलूँ से मुझे बहुत खुशी। जय श्रीराम मो ना शशिकांत शतपथी मु राष्ट्र गोसेवा परिषद सेक्रेटरी आने गोसेवक भी आज मैडम जो पदक्षेप नहीं चाहिए बोधे बहुत क्वचित बहुत कम आ जिनटी कराया बहुत मानने साहस दरकार कहीं देखूँ बहुत लोक पाखे जगह अच्छी किंतु जगह टे दवापी समस्त किए भड़ापी आप्लाय कर किए कल्याण मंडप दौर कि गोमाता सेवापी जड़े मानने मानने जमीटी जगटी आटा आठ अति मानने मानने कह ग बहुत मानने पूरा खुशी कथा ये जिनसटा आमर आईगिणिया खंडगिरी नहीं कि आमर खोर्धा जाके जिते गोमाता मानने मैक्सीम सब गोमाता एक्सीडेट होती इटि गोशाला गोटे भी ना रखापी भी किसी व्यवस्था ना गवर्नमेंट रि कि व्यवस्था किसी ना जे गोमाता सेमती रोड रे पड़ी पड़ी से देह त्याग करती किंतु आज मैडम जो जगटी आज दान कर जिनसटी आम बहुत मानने राष्ट्र गोसेवा परिषद तरफ बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को जोटा कि आम गोमाता मैंने रहीपर ये चिकित्सित हो पारे आडम को अशेष धन्यवाद दूची। नमस्कार जय श्रीराम जय गोमाता आज गोटे एत बड़ खुशी दिन जेहेतु कि जड़े माँ निज जग एत बड़ जगह गोमाता सेवापी से यू दान कर गोमाता आशीर्वाद सब माँ रू आखु आम भुवनेश्वर एमती गवर्नमेंट जगार चौधरी प्राय गोशाला अच्छी जो कि गोमाता जेकोसी जगह आक्सीडेट होड़ भांगी जा अंटा भांगी जा कि कौन प्रकार दुर्घटना जनित गोमाता मानक आणिक चिकित्सा करा कि सबुतिक जगह गवर्नमेंट जगह रही मैंने प्रथम थर पर भुवनेश्वर से माँ जनक ये निज जगह दुई गुण जगह पर हम से जगह टीके सेवा करने जा आठ भाई सौभाग्यर कथा किसी ना मुझे अशेष अशेष धन्यवाद से माँ को दौर गोमाता आशीर्वाद से रो मुक विनीत अनुरोध करी कमांडर ये जो जगह आपण शशी भाई पुराणा गोसेवा भाई मैंने समस्त जानते तेणुक आपण मानक अनुरोध भुवनेश्वर जेकोसी जगह गोमाता आक्सीडेट जोटि भी हूँ नंदी महाराज मानक आपड़ जनइले आम आम ये सेवा निःशुल्क एवं निस्वार्थपर भाव आम करूँ क्या कौन से जिनस नहींनु कि गोमाता सेवा कर चलो आपकी अनुरोध ये गोशाला केत परिभ्रमण कराया आसपारे देखादे करेंगे आगे जो भी गोमाता आक्सीडेट हुए आपड़ सांगे सांगे जनइले आम गोमाता सेवा कर शिवसुंदर स्वाई आम राष्ट्रीय गोसेवा परिषद सभापति आम ये जिते अनुष्ठान
ଯେତେବେଳେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମେ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଶାଳା ଗୋଟେ କରିବୁ କହିକି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ଗୋସେବା ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ବହୁତ କୁଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିକ ଆଜି ଆମକୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତା ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋସେବା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋସେବା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗୋବଂଶ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋସେବା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ନିଆଯାଉଛି ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋ ରକ୍ଷଣୀ ଯେଉଁଠିକି ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗୋବଂଶମାନେ ଆସି ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋସେବା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 10 ଗୋରକ୍ଷଣୀ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋରକ୍ଷଣୀରେ ପ୍ରାୟ 40-50-30 ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗୋବଂଶ ଆସି ରହି ଆମର ସମର୍ପିତ ଗୋସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗୋଶାଳାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକରି ମଡ଼େଇଦେଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋବଂଶଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଇ ବିଗତ 4-5 ଭିତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଧିକ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଅଧିକ ଗୋରକ୍ଷଣୀ ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଗୋମାତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏଇ ଜାଗା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ମା' ଗୋଶାଳା ନାମରେ ଗୋଟେ ଗୋରକ୍ଷଣୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋବଂଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆସିକିରି ଏଠି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଧିକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10-20 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ତେବେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଧନାଢ଼୍ୟ ଲୋକ ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋସେବା ପରିଷଦର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନକୁ ଯେ ଆମର ଗୋଧନର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଧନର ସେବା ଚିକିତ୍ସା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ବି ହେବା ଦରକାର।